जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। आज हम आप लोगों के सामने एक हिमाचल जीके की नई सीरीज का पार्ट बना रहे हैं, और जो ये सीरीज है ये है वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन भलोकरा। और इसके फ्रेंड 2019 के अकॉर्डिंग दो वॉल्यूम आए हैं, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू। जो फ्रेंड वॉल्यूम वन है हम पहले उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज या फिर अकॉर्डिंग टू नीड। तो चैप्टर वन जो आज स्टार्ट करें वो है ब्यूटीफुल लैंड। और ये फ्रेंड जो सीरीज़ है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो एमसीक्यू से रिलेटेड अप टू द एचएएस लेवल। आप जैसे ही एक दो चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना और आप सॉल्व करिएगा, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये सीरीज़ कितनी बेनिफिशियल है कितनी नहीं है। और हाँ, प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है वो कारण ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन जो कंटेंट है फ्रेंड्स वो टू द रिलेवेंट होगा सभी एचपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट गो टू द चैप्टर वन ऑफ दिस बुक द ब्यूटीफुल लैंड। तो फ्रेंड इस बुक में जो पहला चैप्टर उसमें हिमाचल कैसे बना, क्या है वो, सो उस सब के बारे में दिया है। लेकिन आज हम थोड़ा सा ही ब्रीफ पढ़ेंगे हिमाचल कैसे बना, कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट बनी। तो हिमाचल का जो बर्थ होता है वो सबको पता ही होगा, 15 अप्रैल 1948 को होता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और उस टाइम जो उसे दर्जा दिया जाता हो चीफ कमिश्नर प्रोविनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम हिमाचल को किस नाम से जाना जाता था। और जो फ्रेंड उस टाइम डिस्ट्रिक्ट बनी है वो थी 4 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी वो थी चंबा एंड सिरमौर। कभी कभी एग्ज़ाम में जैसे अकॉर्डिंग टू अरेंज करने के लिए जाइए 4 डिस्ट्रिक्ट की कैसे कैसे बनी, तो सबसे पहले चंबा, फिर सिरमौर, फिर मंडी, फिर महासू। और ये चंबा और सिरमौर ऐसी दो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में जिनकी बाउंड्री के साथ, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करके उनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया आज तक भी। बाकी कई जो डिस्ट्रिक्ट है उनको किसी का एरिया दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा गया, किसी में ऐड करा गया। उसके बाद मंडी और सुकेत को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है, वो होती है मंडी। और महासू जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसको मर्ज करा जाता है, 26 प्रिंसली स्टेट होते हैं उसको मर्ज करके एक महासू डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। और जब ये 4 डिस्ट्रिक्ट बनती है उस टाइम फ्रेंड्स जो एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, होता है 27,018 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। देन एज ऑन 1 जुलाई 1954 पांचवा जिला बिलासपुर ये हिमाचल में ऐड होता है। और हिमाचल दो टाइम होता है, हिमाचल होता है पारसी स्टेट। जो ये फ्रेंड पारसी है, कईयों को लग रहा है कि क्या है पारसी पार्ट व्हाटसोएवर, पार्ट ए पार्ट बी पारसी, ये तीन पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स भारत के जितने भी स्टेट होते हैं जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, मतलब इंडिपेंडेंस हो जाता है, तो जो स्टेट है उसको सभी को पार्टों में डिवाइड किया जा रहा था। तो हिमाचल को भी पार्ट सी का दर्जा दिया गया। ये कब दिया गया है हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद फ्रेंड जैसे ही पांचवा जिला हिमाचल बिलासपुर ऐड हो जाता है, उसके बाद 1960 में किन्नौर जो तहसील है वो बनती है महासू डिस्ट्रिक्ट के। और जो उसकी डिस्ट्रिक्ट होती है किससे बनती होती है, चीनी तहसील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्नौर जो तहसील बनती है महासू डिस्ट्रिक्ट से बनी थी, लेकिन उसकी जो तहसील चीनी तहसील से इसको क्रैब किया जाता है। और उस टाइम जो रामपुर बुशहर है आजकल, उसकी जो 14 गांव थे वो किन्नौर में ऐड किए गए, और इसलिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई थी वो हो गई थी 6। ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हेन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाज क्रैब फ्रॉम द महासू डिस्ट्रिक्ट देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया भी किया है कि इस टाइम किन्नौर को ऐड करा गया था। अब
होता है 1966। उस टाइम पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट आती है, और जब पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट आती है तो आप ये देखिए कि पंजाब का पहला मैप कैसा था। उसके बाद 1966 में पंजाब, हिमाचल एंड हरियाणा ये कैसा हो गया था। पंजाब एंड हरियाणा 1 नवंबर 1966 को ये अलग दो राज्य बन जाते हैं, और जो कुछ एक जो पार्ट होता है जैसे कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, ये जो उस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट होती है हिमाचल में ऐड की जाती है। कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू ये आपको याद रखनी है। जो शिमला होती है मासू डिस्ट्रिक्ट से ही को क्रैब किया जाता है और एक शिमला डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है, और एरिया हो जाता है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो एरिया उस टाइम इंक्रीज होता है होता है 106% एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 108%। और उसके बाद फ्रेंड जैसे ही ये पंजाब कमीशन रिपोर्ट होती है बाउंड्री वाली, हिमाचल को फिर डिवाइड कर जाता है ओल्ड हिमाचल एंड न्यू हिमाचल। जो ओल्ड हिमाचल में आते हैं फ्रेंड, जितनी भी 1960 से पहले वाली डिस्ट्रिक्ट होगी सारी ओल्ड हिमाचल में आएंगे। जैसे सी स्टैंड फॉर चंबा, एस फॉर सिरमौर, एम फॉर मंडी, एस फॉर शिमला, बी फॉर बिलासपुर एंड के फॉर किन्नौर। शिमला का जितना भी एरिया आजकल है वो सारा ओल्ड हिमाचल का था, एक्सेप्ट जो कैपिटल है, कैपिटल जो है वो न्यू हिमाचल की है। और जो एरिया उस टाइम इंक्रीज होता है ओल्ड हिमाचल का, मतलब जो होता है वो होता है 48.4%, जो पॉपुलेशन होती है वो होती है 52.3%, जो रिमेनिंग जो बचेगा वो ऑब्वियस है न्यू हिमाचल का होगा। एंड जो न्यू हिमाचल का एरिया होता है फ्रेंड वो ज़्यादा होता है। आपको याद रखना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि लाहौल स्पीति जो एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, वो न्यू हिमाचल में आती है, और जो पॉपुलेशन होती है 47.7%। और जो इन सब में हिमाचल जो सोलन है जो सबसे लास्ट में बना था वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये जो बनता है ये बाद में मासू से ही बनता है, और जो मासू है वो ओल्ड हिमाचल में पहले ही इंक्लूड है। अब न्यू में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर एंड ऊना, ये आपको याद रखना है। अब सी स्टेट हिमाचल को दिया गया था 1951 में। जब ये सी स्टेट दिया गया था तो ये रहा फ्रेंड 5 ईयर तक, 1951 टू 1956। और जब फ्रेंड सबको ये पार्ट ए बी सी स्टेट दिया जा रहा था तो हिमाचल को भी उसी तरह पार्ट सी दिया गया। लेकिन पार्ट सी के बाद जैसे ये एबोलिश होता है हिमाचल को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी काउंसिल दी जाती है। उस टाइम हिमाचल को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी जाती। और इन 1963 जो ये टेरिटोरियल काउंसिल होती है ये कन्वर्ट की जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखिए, क्योंकि जो टेरिटरी काउंसिल होती है ये कन्वर्ट की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है वो कब तक रहती है फ्रेंड, वो रहती है 1971 तक, टिल द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, जैसे बोलती है पूर्ण राज्य का दर्जा, मतलब पूरा उसे राज्य घोषित किया जाता है, इसे फुल फ्लेज कहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड अब 1966 तक हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है वो 10 हो जाती है। अब हम पहुंचते हैं 1972 आफ्टर फुल फ्लेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट और बनती है, 10 हो गई है 3 और बनेंगी, इसलिए आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन अभी देखते हैं कैसे होता है। 1972 में जो अमीरपुर एंड ऊना है उनको कांगड़ा से ट्राइफर्केशन किया जाता है, ट्राइफर्केशन 3 बन जाती है, कांगड़ा खुद, एक हमीरपुर, एक ऊना, ये बनती है 1972 में। जो मासू होती है फ्रेंड उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है शिमला एंड सोलन में, और इस तरह जो हिमाचल है उसकी जो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रेंड 12 कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रेंड ये जो आज पहला पार्ट था ये था जस्ट अबाउट कि हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे बनी, और ये जगमोहन प्रोग्राम में पहले चैप्टर में बस जो स्टार्टिंग है इससे ही की गई है। जो अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा लीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और फ्रेंड आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा तभी इस सीरीज़ को लाने का वो
वही मोटो रहेगा मेरा भी। एंड फ्रेंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई गलती हो गई हो या कोई बैक नॉइस आ रही हो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। एंड स्टे फिट, स्टे मोटिवेट, एंड प्लीज़ कीप लाइक शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड ऐसा ही आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और टू द पॉइंट। और भाई फ्रेंड मैंने टू द पॉइंट तभी लिखा है ताकि आपको दोबारा रिकॉल करने में थोड़ा अपने माइंड में मतलब थोड़ा जोर देना पड़े, ऐसे नहीं कि बस स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए प्रोविडेंस स्टडी। सो थैंक यू फ्रेंड।